छठ के मौके पर बहुचर्चित फिल्म पवन राजा ने जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करके अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, तो वहीं एक बार फिर से पवन के निजी जिंदगी पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जी हां, फिल्म के रिलीजिंग से पहले आपने ये खबर तो जरूर सुनी होगी कि ये फिल्म पवन के निजी जिंदगी पर फिल्माई जा रही है। तो वहीं अब पवन राजा फिल्म में पवन अपनी पत्नी मोनालिसा के साथ इश्क तो फरमा ही रहे हैं, साथ ही पत्नी के होते हुए वो अपनी साली उर्फ अक्षरा सिंह के साथ भी रोमांस और लिपलॉक कर रहे हैं। इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि पवन एक गाने से फेमस हो जाते हैं, उसके बाद एक लड़की उनकी दीवानी हो जाती है और फेमस सिंगर होने के बाद पवन सिंह की शादी उस लड़की के बड़ी बहन से हो जाती है। छोटी बहन अक्षरा पवन सिंह को चाहने लगती है। बहन के पति को पाने के लिए साली कई तरह की चालें चलती है। जब पवन मोनालिसा के साथ ससुराल आते हैं तो साली अपनी बहन को दूध में नींद की गोली दे देती है और जीजा के साथ रोमांस करती है। जब नींद खुलती है तो पत्नी मोनालिसा ये सब देख लेती है, जिसके बाद दोनों बहनों में झगड़ा हो जाता है। पवन को पाने के लिए बड़ी बहन की हत्या कराने के लिए छोटी बहन एक गुंडे को सुपारी भी दे देती है। सुपारी लेने वाले का भाई अक्षरा सिंह से प्यार करने लगता है। जब वह प्यार का इजहार करता है तो वह पिटाई कर देती है, जिसके बाद गुस्से में गुंडे का भाई अक्षरा की ही हत्या कर देता है। पवन सिंह के चाचा और गुरु अजीत सिंह फिल्म में भी चाचा की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में रोमांस के साथ ही पवन सिंह ने कई एक्शन सीन और स्टंट करते हुए भी दिखाई दिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़, भोजपुरिया की रिपोर्ट।